स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि वीवो का अगर आपके पास मोबाइल है और उसके अंदर ये जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम एक्सेसिबिलिटी का शॉर्टकट मेनू है, यहाँ पर ये इस बटन को दबाने से एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन ओपन हो जाता है, और ये अगर आप इससे परेशान हो गए हों तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसको हटाने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास वीवो का मोबाइल है और जिसका मॉडल नंबर है Y20। जी हाँ दोस्तों, वीवो का कोई भी मोबाइल रहने से आपको ये ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला तो आप सर्च कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन का जो नाम है वो मैं आपको बताया हूँ, एक्सेसिबिलिटी का जो ये मेनू है वो शॉर्टकट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले सेटिंग में चलना पड़ेगा और सेटिंग में चलने के बाद में आपको जो ऑप्शन ढूंढना है वो एक्सेसिबिलिटी का है। दोस्तों, उसके अंदर आपको कहाँ पे जाके इसको है जो बंद करना है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ये जो फ़ोन है उसका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं कि मेरे पास वीवो का V2029 यानी कि Y20 का जो मोबाइल है वो मॉडल है। और दूसरे मोबाइल के अंदर अगर कोई ऑप्शन अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिल जाएगा तो आप है जो सर्च में जाके थोड़ा बहुत उसको रिलेटेड सर्च कर सकते हैं ताकि आपको वो ऑप्शन मिल जाए अगर एंड्रॉयड वर्जन अगर चेंज भी होता है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सेटिंग में आ चुका हूँ और सेटिंग में आने के बाद मुझे यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और मैं इसको यहाँ पे है जो क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिबल। दोस्तों, ये आपको अगर नीचे ऊपर नहीं भी मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं और उसको ओके करने के बाद में आपको जो ऑप्शन और है आगे चलना है जिसका नाम मैग्निफिकेशन है। दोस्तों, इस मैग्निफिकेशन विथ शॉर्टकट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बंद है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें एक बार हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का जो मेनू है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो इसको यहाँ पे इसको बंद कर देना है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी का जो मेनू है। कुछ मोबाइल के अंदर मैग्निफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कुछ मोबाइल के अंदर एक्सेसिबिलिटी मेनू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो इस मोबाइल के अंदर है वो है एक्सेसिबिलिटी का मेनू और इसको मैंने यहाँ पे है जो बंद कर दिया है। दोस्तों आप सर्च कर दीजिए और सर्च करने से आपको ये मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में इसका एंड्रॉयड वर्जन चेंज भी हो जाता है तो इसकी जगह है जो चेंज भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं इसको आपको बंद और चालू करना दोनों भी इस वीडियो के ज़रिए बता दिया हूँ, तो आप आसानी से है जो इसको हटा सकते हो और जब चाहिए इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।